महेंद्र सिंह काम जटोला। तो क्या समस्या है आपकी? बाजरे की समस्या है जी। कितना बाजरा पास है? 176 कुंटल का था जी। क्या सब क्या 80 कुंटल ये टोटल। ठीक है, अब बार बार सारा घूम लिया जी। ये वो कह रहे हैं डीसी साहब, बोले सीएम साहब से मिलो। सीएम साहब ने पहले तो ये कहा था कि दाना का दाना खरीदा जाएगा, अब हमारा बैलेंस है पड़ा। अरे यहाँ प्रशासन अंदर नहीं जाने दे, हमने कह रहा जी जमींदार है एक मिनट जाने दो, नहीं जाने दे रहे। तो क्या क्या रिक्वेस्ट कर लिया जी? क्या कहा प्रशासन ने आपको? प्रशासन ने कह रहा हम नहीं मिलने देंगे। तो क्या क्या किस रीजन से नहीं मिलने? रीजन तो कुछ बता लो। ऐसा जी यहाँ तो मीटिंग में आए हुए, यहाँ नहीं मिलने देंगे। तो कहाँ मिलने देंगे, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बता रहा, कुछ नहीं बताया जी। बार बार मिल लिए हम सारे, रेस्ट हाउस में जा लिए, रेस्ट हाउस में नहीं जाने दे रहे। ठीक है जी, वैसे तो सीएम साहब ने कैसे हम दाने के दाने खरीदेंगे, ये झूठा आश्वासन है और क्या ये सच्चा है? धनपत सिंह, आप कहाँ से हो? मैं पटौदी तहसील गांव साहब का। आपकी समस्या क्या है? मेरी बाजरे की समस्या है। क्या समस्या, क्या बाजरे की? मेरा बाजरा एक बार भी कैच रहा है और मैं जब से वेट कर रहा हूँ। मैं 30 किले में बाजरा बोया था, 25 किले की मेरे पास वो गिरदावड़ी वो है, उसमें एक बार 40 कुंटल लेके बाकी मेरा 171 कुंटल बाजरा मेरे ट्रैक्टरों में भरा पड़ा सारा का सारा। किस तरह की समस्या आ रही है कि आपका बाजरा नहीं बढ़ रहा? एक बार लेके 40 कुंटल बाकी बाजरा ले ही ना रहे हैं। किसने कहा आपको ये? मतलब कि आपका बाजरा नहीं बिकेगा, किसने कहा? मैसेज हम फैक्ट्री से मिल लिया, अनुरा दोबारा एक बार ही बिकेगा, दोबारा बिकेगा ना। डीसी से मिल लिया, एसडीएम से मिल लिया, सरकार ने ये कहे थे दाना का दाना खरीदा जाएगा, दाना का दाना खरीदा जाएगा, पूरा बाजरा घर पड़े हैं। 4 महीना हो गए बाजरे भरे। तो लगातार आप कितने दिन से समस्या? किस महीना हो गए जी बाजरा? डीसी तक बता दी समस्या हमने, डीसी ने भी यही कहा है जाके सीएम साहब से। तो कितना बाजरा आपके पास पड़ा आपके पास अभी? अभी कम से कम रह रहे हो जी 85 कुंटल रह रहे हो जी। ओके, जो किसान हड़ताल बैठे उनका क्या कहना आपको लेकर? किसान भी तो हड़ताल बैठे हैं रोड पे। तो मारो भी ना जाएगा तड़के, हम हड़ताल पे जाएंगे और क्या कहेंगे? हड़ताल पे जाएंगे। तो कितने किसान है आपके पास जो जिसका बाजरा बिका नहीं आपके इस एरिया से? हमारे पटौदी पटौदी के हमारे 300 किसान है, 250 इनका बाजरा बिका नहीं है, 250-300। तो इसके लिए अभी आपने प्रशासन को कोई अपनी मांग रखी है? मतलब मांग यही रखी है कि डीसी के पास जावा या कुछ मारो निमटारो होना चाहिए। मतलब डीसी ने क्या कहा था? डीसी ने कहा सीएम साहब से मिलो, हमारे पास ऊपर दा होगा आदेश, जिस दिन थारो ले लेंगे। मतलब हम तो एप्लीकेशन भेज देंगे बस। उन्होंने सारा कागज पूरा करके दे दिया, उन्होंने साइन करके दे दिया, उसने फैक्स भी भेज दियो, सारा काम कर लिया, लेकिन फिर भी कोई वो ना हो रहा। तो प्रशासन क्या कह रही है आपसे, क्यों नहीं मिले दे रही है? कह दिया 29-6 तारीख तक बोली चलेगी। 29-6 तारीख तक हम रोज फैक्ट्री से मिला, रोज पटौदी एसडीएम से मिला, एक दिन भी नंबर रखा बाजरो ना लियो मारो, एक दानों तक ना लिया। समस्या बाजरा की है? क्या समस्या? बाजरा नहीं बिक रहा मेरा, 96 कुंटल का था 12 एकड़ का। तो कितना बिका अभी? मेरा 40 कुंटल बिक गया है। 56 कुंटल मेरा डंपर में भरा खड़ा है। क्यों, क्या समस्या है? समस्या ये नहीं ले रहा क्या कह रहे हैं? बस एक बार ले लिया, आप दोबारा नहीं। आगे जो सरकार ने बात कही थी कि बाजरा किस पूरा लिया जाएगा? हाँ जी, नुकाला दाना दाना खरीदा जाएगा। अब नुका चंडीगढ़ से मैं फिर कहा जब नुका सीएम साहब से मिला, हमारे हाथ में ही नहीं कुछ, ये समस्या आपको लॉकडाउन से के में आई है या लॉकडाउन से पहले भी आई है? लॉकडाउन में भी आई, उससे पहले कोई समस्या आई है? टाइम में भी आई थी, फिर ले लियो था ना, फिर ले लिया था, बाजरा नहीं ले रहा। बाजरा क्या कह रहे थे? बाजरा का नहीं है ले रहा अभी। कैसे दोबारा मैसेज को मैसेज ही नहीं है? बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।